यह एक जेसीबी 3DX का पार्ट है और आज भी दो दो साल का एक्सपीरियंस है ऑपरेटर को, लेकिन आज भी कुछ लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, इसे किस तरह से क्लीन किया जाता है। या फिर कुछ लोग डरते होंगे कि यार ये कैसे करूं। जो भी इस तरीके की कंफ्यूजन है आपके पास जेसीबी 3DX से, चाहे वो कोई भी पुराना मॉडल हो या आज की जनरेशन का 2021-22 का भी मॉडल हो, तब भी यह वीडियो आपके काम आने वाली है। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, क्योंकि हम बैकहो लोडर से रिलेटेड सारी जानकारी, चाहे मेंटेनेंस हो, फर्स्ट लुक हो, रिव्यू है, सब कुछ लाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये है वाटर सेपरेटर। एक्चुअली इसे कुछ घंटे बाद क्लीन करना चाहिए, लेकिन कैसे क्लीन करना है डरने की कोई बात नहीं, बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है वरना दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो आगे क्या प्रॉब्लम बढ़ सकती है उसके बारे में बात करते हैं। ये जेसीबी 3DX हर 6DX में आता है यह पार, जिसे कहते हैं वाटर सेपरेटर। डीजल टैंक से जो पहला सक्शन हो जाता है वो लगता है यहाँ पे, और उसके बाद इसमें आता है डीजल, और डीजल के साथ कुछ क्वांटिटी में हो सकता है पानी हो, बूंदे हो, बूंदे समझते हो, छींटे, कुछ मात्रा में पानी तो होता ही है डीजल में, चाहे वो किसी भी तरह से हमारे डीजल टैंक में आता है। तो ये इसका काम है। ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बहुत मैन्युअली है, और एक ऐसी टेक्निक है, डीजल जो है पानी से हल्का होता है तो डीजल कभी भी ऊपर तैरता है और पानी नीचे जाता है। तो सबसे पहले डीजल इसमें आ जाता है, अब जो पानी की मात्रा है वो नीचे रहेगी और डीजल जो है वो आगे फिल्टर में चला जाएगा, इस तरह से इसका सिस्टम है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें पानी आया है, कब ड्रेन करना है? तो इसके अंदर एक रिंग दी है रेड कलर की, मैं थोड़ा सा नजदीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रेड कलर की जो रिंग है, इसके अंदर आपको डीजल आमतौर पर दिखेगा, इतना सा डीजल भरा होता है इस लाइन तक, ठीक है। तो जैसे ही डीजल है इसमें, तो जैसे ही पानी आता है, कोई भी पानी आएगा तो नीचे जमने लगेगा। जैसे ही पानी नीचे जमेगा, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा पानी का, तो ये रिंग जो है ऊपर धीरे धीरे हल्की हल्की तैरने लगेंगी। अब यहाँ तक रिंग आ गई है तो समझ लेना इसके नीचे पानी है, तो बस यह प्लास्टिक का स्क्रू है, उसको खोलना है और ये पानी छोड़ना है। ये आपके सामने कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरह से आपको छोड़ना है। बस यह ध्यान में रखना है इस ओरिंग को फिर से डालना है, नहीं तो एयर की समस्या आपके मशीन में जनरेट हो जाएगी। और फिर इसको कसते टाइम यह ध्यान में रखना है कि ये दोनों जो पार्ट है प्लास्टिक है, तो आपको उतना ही कसना है जितना कि एक नॉर्मल, आपको बस इतना जोर लगा के कसना है। बहुत ज़्यादा कसोगे तो ये स्लिप होगा, और स्लिप होगा तो फिर इससे एयर भी पकड़ सकता है। तो ये साधारण सा काम है, आप में से काफ़ी सारे लोग ऑपरेटर को पता भी होगा, लेकिन मैंने खुद देखा है मशीन पे, ज़्यादातर लोग इसे क्लीन नहीं करते, और मालिक लोग भी है वो ध्यान नहीं दे पाते। तो चाहे आप ऑपरेटर हो या मालिक हो, आपका काम है इसे क्लीन करना। अब ये बताऊंगा, नहीं करते हो तो क्या होता है? अगर क्लीन नहीं करोगे, भरा रहेगा, तो यही पानी डीजल फिल्टर के प्राइमरी सेक्शन में जाएगा, फिर सेकेंडरी में जाएगा, और डीजल में थोड़ी मात्रा में जो कागज होता है, लेयर होती है, उसमें थोड़ा बहुत पानी तो अटक जाएगा, पर सारा पानी डीजल कंज्यूम नहीं कर सकता, वो आगे ढकेलेगा, कचरा बिचरा जो भी छान के डीजल और पानी आगे चला जाएगा। तो हमारे जेसीबी के FIP में कोई लुब्रिकेशन के लिए ऑयल नहीं होता, उसका लुब्रिकेशन सिर्फ फ्यूल ही करता है, तो वो पानी जो है वहाँ पे उसमें जैकेट में रहेगा, नोजल में जाएगा, पूरी लाइन में जाएगा, हमारे FIP में वो पानी घूमता रहेगा। 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब जब पानी घूमेगा तो आपका मशीन सबसे पहले मिसफायर होने लगेगा, RPM जो है वो एक जगह पे रुकेगा नहीं, कभी 9, 10, 15, 12 अपने आप बिना एक्सीलेटर को हाथ लगाए, अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो सोच लेना कि आप ये गलती हो गई है और पानी आगे चला गया है।
तो सावधानी रखिए, उसके पहले ये वाला काम कीजिए। अगर वैसा होता है तो फिर आपको FIP खोल के कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। आपके पास जब बंदा आएगा सर्विस इंजीनियर जो भी है, आमतौर पे 4-5-6 हज़ार तक उसका सर्विस चार्ज होता है खोलना और उसे जोड़ना। फिर वहाँ से आपको वह पंप FIP कैलिब्रेशन के लिए एथोराइज जो डीलर होता है उसके पास लेके जाना पड़ेगा। फिर वहाँ भी खर्चा होगा आपका 15,000 से 20,000 के बीच में, तक 12 से 18-22 तक भी जा सकता है। रोटर सब कुछ पार्ट पे डिपेंड होता है। तो देखो, इंजीनियर का 5-6 हज़ार, मटेरियल का 15,000 भी पकड़ते हैं तो 20,000, और आपका ऊपर से 2 दिन मशीन खड़ा रहेगा या हो सकता है उससे ज़्यादा भी खड़ा रहेगा, तो वो भी आपका लॉस है। तो एक सावधानी आपको कितना, आपका कितना सारा पैसा बचाती है आप खुद सोचिए। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी भी आपके समझ में आई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई राय है, आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स है, उस वहाँ जाइए और कमेंट कीजिए, आपको बहुत जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो।